नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बॉडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स सिक्स सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके लिए आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किन किन टॉपिक के ऊपर बनाना है। यदि आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किन किन टॉपिक के ऊपर बनाना है, तो आप लोग आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किन किन टॉपिक के ऊपर बनाना है। तो आइए, बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स सिक्स सेमेस्टर के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के टॉपिक का लिस्ट। दोस्तों, इस लिस्ट में टोटल 59 टॉपिक्स है, जिनमें से किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के टॉपिक के नेम को जान लेते हैं। यहाँ देखिए, टॉपिक नंबर 1 है IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस न्यू बिजनेस प्लान और प्रपोजल, ये है टॉपिक नंबर 1। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है रिवाइज शेड्यूल 6। टॉपिक नंबर 3 है क्रेडिट रेटिंग। टॉपिक नंबर 4 है रिस्क मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 5 है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। टॉपिक नंबर 6 है सब प्राइम मेल्टडाउन एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट विथ केस स्टडी फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री। टॉपिक नंबर 7 है कॉर्पोरेट फ्रॉड्स या वाइट कॉलर फ्रॉड्स। टॉपिक नंबर 8 है फाइनेंशियल इंक्लूजन। टॉपिक नंबर 9 है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। टॉपिक नंबर 10 है कार्बन क्रेडिट। टॉपिक नंबर 11 है डायरेक्ट टैक्स कोड यानी DTC। टॉपिक नंबर 12 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। टॉपिक नंबर 13 है रोल ऑफ MSME इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक नंबर 14 है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक नंबर 15 है बिजनेस एंड गवर्नमेंट। टॉपिक नंबर 16 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टॉपिक नंबर 17 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टॉपिक नंबर 18 है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। टॉपिक नंबर 19 है ऑनलाइन बैंकिंग। टॉपिक नंबर 20 है NPA मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 21 है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। टॉपिक नंबर 22 है कैपिटल मार्केट। टॉपिक नंबर 23 है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। टॉपिक नंबर 24 है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 25 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टॉपिक नंबर 26 है परफॉर्मेंस एनालिसिस। टॉपिक नंबर 27 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 28 है कैश मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 29 है डेटर्स मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 30 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 31 है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। टॉपिक नंबर 32 है ई कॉमर्स। टॉपिक नंबर 33 है स्टडी ऑन एविएशन सेक्टर इन इंडिया। टॉपिक नंबर 34 है वेंचर कैपिटल। टॉपिक नंबर 35 है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। टॉपिक नंबर 36 है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। टॉपिक नंबर 37 है एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड। टॉपिक नंबर 38 है स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। टॉपिक नंबर 39 है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। टॉपिक नंबर 40 है कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। टॉपिक नंबर 41 है द सब प्राइम क्राइसिस। टॉपिक नंबर 42 है रूरल एंड एग्रीकल्चरल बैंकिंग। टॉपिक नंबर 43 है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ डिफरेंट कंपनीज फॉर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट। टॉपिक नंबर 44 है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। टॉपिक नंबर 45 है मार्केटिंग रिसर्च। टॉपिक नंबर 46 है स्टडी ऑन द मार्केट अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टॉपिक नंबर 47 है प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। टॉपिक नंबर 48 है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ बॉल जेल पेंस। टॉपिक नंबर 49 है ब्रांड रिपोजिशनिंग। टॉपिक नंबर 50 है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 51 है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 52 है कस्टमर अवेयरनेस। टॉपिक नंबर 53 है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग वर्सेस कंज्यूमर। उसके बाद टॉपिक नंबर 54 है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। टॉपिक नंबर 55 है इज अट्रैक्टिव पैकेजिंग रियली अननेसेसरी और एन आई वॉस अ स्टडी ऑन पैकेजिंग ऑफ सम सिलेक्टेड कंपनीज। टॉपिक नंबर 56 है कंज्यूमर बिहेवियर। टॉपिक नंबर 57 है आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टॉपिक नंबर 58 है इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। टॉपिक नंबर 59 है डायरेक्ट मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। दोस्तों, तो ये 59 टॉपिक्स है, जिनमें से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट किन किन टॉपिक के ऊपर बनाना है। दोस्तों, यदि आपके मन में इस वीडियो
से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों और टीचर्स को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉइज़ बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मैं चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।